और शुरुआत करेंगे चुनाव प्रचार से। आपको बता दें आज कई जगहों पर लगातार चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं रोड शो का भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह का भी ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी, और इसी कड़ी में अमित शाह बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी करेंगे वो चुनाव प्रचार, नड्डा भी दहाड़ेंगे बिहार पश्चिम बंगाल में, उनकी रैली है। योगी आदित्यनाथ यूपी में करेंगे प्रचार, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। खड़गे का प्रचार रायबरेली में होगा, तो वहीं मैदान में अब मायावती फैजाबाद बलरामपुर में करेंगी प्रचार और अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगी। और देखिए चार चरणों के बाद अब पूरा जोर पांचवें चरण में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पांचवें चरण को लेकर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। जी हां, आज मुंबई में, जी हां महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कल्याण और डिंडौरी में चुनावी रैलियां हैं, तो शाम को घाटकोपर में मेगा रोड शो होने वाला है। पांचवें चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करने वाले हैं। मुंबई में पीएम का मेगा प्रचार होने वाला है, कल्याण और डिंडौरी में पीएम की रैली है, तो शाम को घाटकोपर में मेगा रोड शो होगा। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कल कैसे नॉमिनेशन किया, उसके बाद झारखंड पहुंचे, और उसके बाद आज महाराष्ट्र, जी हां मुंबई में चुनाव प्रचार पर जोर देंगे। और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है, विपक्ष पर प्रहार भी हो रहा है। कल्याण और डिंडौरी में आज रैली होगी, तो वहीं शाम को घाटकोपर में मुंबई के मेगा रोड शो होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो महाराष्ट्र में आज जमकर प्रधानमंत्री मोदी गरजेंगे। लोकसभा चुनाव के चार चरण संपन्न हो चुके हैं, अब बारी है पांचवें चरण के लिए। सियासी दलों ने कमर कस ली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में बीजेपी की प्रचार की कमान संभालेंगे, कल्याण और डिंडोरी में रैली के बाद घाटकोपर में करेंगे एक मेगा रोड शो भी। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और बहनों, इंडी गठबंधन वालों का तुष्टिकरण का खेल अब चरम पर पहुंच चुका है। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। चार चरण संपन्न, अब पांचवा रण। अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करेंगे, वोट जिहाद। मुंबई में पीएम मोदी मेगा प्रचार। सियासी प्रचार, अब दावे हजार। लोकसभा चुनाव में चार चरणों का रण संपन्न हो चुका है। सियासी दलों ने अब पांचवें चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक पीएम मोदी आज मुंबई में मेगा प्रचार करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज कल्याण और डिंडोरी में रैली करेंगे, उसके बाद शाम में घाटकोपर में पीएम का मेगा रोड शो होगा। पांचवें चरण में मुंबई की 6 सीटों पर मतदान होना है। पीएम के रोड शो को लेकर आज जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। 2.5 किलोमीटर तक पीएम का घाटकोपर में आज रोड शो होना है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक LBS मार्ग बंद रखा जाएगा। पीएम मोदी इस रोड शो के जरिए मिहिर कोटेचा के लिए प्रचार करेंगे। पीएम के रोड शो में काशी में जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी थी, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। अब आज मुंबई की बारी है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी का महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है, और पीएम मोदी ने प्रचार के लिए भी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार इंडी गठबंधन पर पीएम सियासी प्रहार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कल फिर साफ किया कि भ्रष्टाचारियों को वो चैन की नींद सोने नहीं देंगे। मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूँ। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा।
मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन 2019 की तर्ज पर कामयाबी हासिल करना चाहती है। पीएम बंपर जीत के साथ फिर सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं और झारखंड की धरती से उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के प्लान का भी खुलासा कर दिया। कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चार चरणों के चुनाव के बाद 380 सीटों में से 270 सीटें जीतने का दावा कर दिया। चार चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। पक्ष और विपक्ष ने पांचवें चरण के लिए ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रचार करेंगे। अमित शाह हुगली, कटक और गंजम में प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज प्रचार करेंगे। नड्डा पूर्वी चंपारण, मुर्शिदाबाद और बांकुरा में रैली करेंगे, तो वहीं यूपी में योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। जालौन, हमीरपुर और महोबा में योगी की रैली है, तो वहीं झांसी में आज सीएम योगी मेगा रोड शो करेंगे। एक तरफ बीजेपी को बंपर जीत का भरोसा है, तो वहीं विपक्ष को अपनी जीत की आस है। विपक्ष की हर गाली को भी पीएम ने मुद्दा बना दिया है। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए, ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है। अब आखिरी तीन चरणों के चुनाव बाकी हैं। देखना होगा जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी। 4 जून को सब साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की लड़ाई मंगलवार को अचानक दिलचस्प हो गई और वजह थी बाहुबली धनंजय सिंह का वो ऐलान, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो और उनके समर्थक बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके बाद यहां विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। राजनीति के अखाड़े में कई तरह के दांवपेच होते हैं। धनंजय सिंह के यूटर्न ने एक बार फिर यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। वजह है प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट जौनपुर। बाहुबली धनंजय सिंह ने अब जौनपुर सीट की लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। जौनपुर सीट पर अपनी पकड़ रखने वाले धनंजय ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चुनाव में नेताओं की भागदौड़ कोई नई बात नहीं। पूर्वांचल के बड़े और बाहुबली नेता धनंजय सिंह के इस फैसले से यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट पर खासा असर पड़ सकता है। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही धनंजय सिंह का यह फैसला कई मायनों में विपक्ष के लिए सरदर्द जैसा है। आज चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और ऐसा नहीं, हम लोग की लड़ाई
चुनाव के बीच पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के केस में सजा हुई। निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई। और इस बीच बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया। अब धनंजय सिंह ने चुनावी मोर्चा संभाला। अपने समर्थकों के साथ मंथन करने के बाद धनंजय ने मंगलवार को बीजेपी को समर्थन देने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि बीजेपी के कामकाज की जमकर तारीफ भी कर दी। वो बाहुबली नेता जो एक वक्त पर बीजेपी को वोट न देने की बात करता था, आज वो मोदी और योगी के कामकाज से खुश है। धनंजय ने समर्थकों से कहा कि वो बीजेपी का साथ देंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बीजेपी से प्यार और विपक्ष से तकरार के बाद धनंजय सिंह ने बीएसपी को भी आड़े हाथों लिया। धनंजय ने सियासी अटकलों के बीच इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि अब उनका नाता बीएसपी से टूट चुका है। बीएसपी पर धनंजय ने धोखा देने का आरोप लगाया। बीएसपी से नाराजगी के बाद धनंजय सिंह ने अपना ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान से विपक्ष तनाव में है, क्योंकि जौनपुर सीट हॉट सीट में से एक है जहां पर धनंजय की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। धनंजय के सैरान से साफ हो गया है पक्ष के लिए जौनपुर सीट जीत पाना अब लगभग नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।